देखिए गाइस, ट्राई किया हुआ तो देखिए दोस्तों। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है तो आज हम जा रहे हैं सूजी का बर्फी बनाने। तो कैसे वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इधर डाली जा रही है। हाँ जा रही हो? अमरुद तोड़ने जा रही है। देखिए गाइस, वहाँ पे अमरुद पका पका अमरुद भरा हुआ है यहाँ पे। जाओ, तुम दिखाओ, चलो जाओ। पका पका तोड़ना, तनी फेंकना, एक फेंको। नहीं रुकाया तो गया। देखिए गाइस, क्या ही मस्त अमरुद फरे हुए हैं, नम पका पका। देखो बटली में देखा जाए कितना है। इधर दिखाओ, क्या ही मस्त पका पका अमरुद है। तो अभी चलते हैं और अनुप को देते हैं खाने के लिए। तो देखिए, इधर अनुप अमरुद ले लिया है। कैसा लग रहा है? मीठा ना? बहुत मीठा है। बारिश से पक गया एकदम। इधर कढ़ाई गरम हो रहा है, तब तक ये सूजी को हम चाल लेते हैं अच्छे से थाली में। इधर सूजी को चाल लिए हैं, क्या ही मस्त सूजी चला गया। अभी हम चलते हैं बनाने सूजी का बर्फी। क्यों अनु? कढ़ाई गरम हो गया है तो इधर देसी घी डाल देते हैं। तो इधर घी अच्छे से गरम हो चुका है, तो इधर सूजी को अच्छे से चाल लिए थे तो इसी में डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन तक होने तक भूनेंगे अच्छे से। क्या मस्त खुशबू आ रही है नहीं अनु? खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अभी तुम फर्स्ट टाइम खाओगे ना? हम एक दो बार खाए हैं लेकिन बहुत छोटे थे, अभी याद नहीं है। कोई बनाता ही नहीं है सूजी का बर्फी अपने घर। आज खा कर देखेंगे कैसा लग रहा है सूजी का बर्फी, हम भी ट्राई करें। तो अभी सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। ज़्यादा नहीं भुनाएगा, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा बस ऊपर आ जाएगा। सूजी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी सारे सूजी को निकाल लेते हैं प्लेट में। इधर सारा सूजी भुना गया है अच्छे से, तो इधर पानी डाल देते हैं और अभी इसमें चीनी डाल देंगे। इधर चीनी को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको भी गलाएंगे चीनी को अच्छे से। तो इधर बाबू नारियल लेके आ गया है, तब इसको अच्छे से कस लेते हैं। क्या है मस्त कसा रहा है। इधर सारा नारियल को अच्छे से कस लिए हैं, यही मस्त कसा लिया है। और इधर तीन इलायची ले लिए हैं। इधर सीढ़ा उबल गया है, अभी इसमें तोड़ के डाल देते हैं स्वाद के लिए, अच्छी स्वाद और खुशबू आएगी। तो अभी सीढ़ी को अच्छे से चलाते हैं। महक रहा अच्छा? बहुत मस्त महक रहा है। तो इसको टच करके देखते हैं सीढ़ा हुआ कि नहीं। थोड़ा सा और होगा अभी। इधर सीरा बन के तैयार हो गया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे सूजी।
अगर सूजी का पाक बन गया है अच्छे से, अब इसमें फ्राई किया हुआ सूजी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब इसमें थोड़ा सा घी ऐसे कर देंगे ताकि चिपके ना, और इसको अच्छे से पक गया है इसको निकालते हैं। सारे वेटर को खाना देते हैं, इसको अच्छे से तो हम कितना डाल दिए अभी सारे बेटा को अच्छे से काट दिए। अब इसको सारे को अच्छे से थप थपा के छोड़ देते हैं। और नारियल का बुरादा जो है उसको इसमें डाल देते हैं। बहुत ही मस्त दिख रहा है। अब चकला जी डाली, अभी इसको काट देते हैं। और इसको छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। और एक उठा के दिखाते हैं, A few minutes later। तो देखिए गाइस क्या ही मस्त बर्फी बनके तैयार हो गया है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। मस्त तोड़ के दिखाते हैं इसको, अंदर देखो क्या ही मस्त बना है। इस सारे बर्फी को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या ही मस्त बर्फी जमा है दोस्तों। तो दोस्तों इतना बर्फी निकला है, निकाल दिए हैं, अंदर से निकालते हैं सब लोग खाने के लिए बताएंगे क्या मस्त बर्फी हुआ है। इधर हम भी बैठी है और इधर देखिए बर्फी का मस्त, क्या ही मस्त बर्फी बना है। दिखाओ जी, दिखाओ जी, दिखाओ, खा के दिखाओ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अनु तुम देखा बड़का को, तो देखिए दोस्तों इधर अनु बर्फी को खा रहा है। वाह क्या सॉफ्ट बर्फी और क्या कड़क बनाया, कैसा लग रहा है? वाह मस्त मस्त ना, कैसा लगा मम्मी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, मजा आ गया खा के? तो इधर बर्फी लोग खा रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।